सूत्र नंबर 2.16 हेयम दुखम अनागतम। पतंजलि कहते हैं कि जो हो चुका है कर्माशय खत्म, जो हो चुका है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मीन्स जो पास्ट में चला गया है, जिसका हम लोग ने भोग लिया है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो भले ही दुख हो या सुख हो, वो तो खत्म हो गया। आने अभी जो है वो वाला दुख हम भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फल मिल रहा है वो पहले के कर्म जो किए हैं उसका फल हम लोग भुगत रहे हैं। तो वो दुख है या सुख है वो तो भोगना ही पड़ेगा। वो प्रारब्ध है, मतलब अभी वो चल रहा है, जिसके वजह से हमें जाति आयु और ये भोग मिला है। लेकिन हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाला दुख है वो अनागत, मतलब जो अभी आने वाला है, हेयम मतलब उसे हम लोग रोक सकते हैं। आने वाला जो दुख है उसे हम रोक सकते हैं। तो अभी के जो कर्म है, जो हमारा अभी कर्माशय बन रहा है, उसे हमें इस तरह से बना सकते हैं कि वो भोग जो है वो अच्छा रहे और भोग हो ही नहीं। इन द सेंस कि अगर हम लोग अभी कोई भी काम करते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, वर्क फॉर ड्यूटी सेक, और उसके फल के साथ हम लोग अगर अटैच नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कर्माशय बनेगा ही नहीं। और कर्माशय नहीं बनेगा तो आगे वाला दुख जो है वो आने वाला नहीं है। तो पतंजलि कहते हैं कि पहले वाला दुख जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, अभी जो हम दुख भोग रहे हैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में सोचना कुछ फ़ायदे का ही नहीं है। लेकिन हेयम दुखम अनागतम, आगे वाला जो दुख आने वाला है उसे हम अभी से जड़ से निकाल सकते हैं। कर्माशय बनने ही नहीं देंगे तो आगे वाला जो फल है वो बनेगा ही नहीं, कर्माशय ही नहीं तो फल कहाँ का। तो पतंजलि कहते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव सूत्र है, कि हेयम दुखम अनागतम, आने वाला दुख जो है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा पतंजलि कहते हैं।